राजा इल देवी पार्वती से वरदान पाने के बाद अपने इला रूप में यह भूल जाते थे कि वह राजा इल हैं। इसलिए वह अपने इला रूप में दूसरे युवतियों की तरह चंचल होकर वहीं पर्वत पर खुशी से विचरण करने लगे थे। इस प्रकार वह चंचल इला भ्रमण करती हुई एक सुंदर सरोवर के पास पहुंचती है। उस सरोवर के निर्मल जल को देखकर इला के मन में जल में उतरने की इच्छा उत्पन्न होती है और वह उस जल में प्रवेश कर जाती है। पर्वत पर स्थित उस शांत सरोवर के जल के भीतर चंद्रमा के पुत्र महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या कर रहे थे, परंतु स्त्रियों के जल में उतर जाने के कारण महात्मा बुद्ध का ध्यान टूट जाता है और उन्हें अपनी तपस्या भंग करने वालों के ऊपर क्रोध भी आ जाता है। परंतु महात्मा बुद्ध की नजर जब इला पर पड़ती है तो उसकी सुंदरता देखकर महर्षि बुद्ध कामुक हो जाते हैं और इला के बारे में ही सोचते हुए सरोवर के जल से बाहर आ जाते हैं और अपने आश्रम पर चले जाते हैं। जब इला उन स्त्रियों के साथ सरोवर से बाहर निकलकर चल पड़ती है तो महर्षि बुद्ध उनके साथ की स्त्रियों को अपने आश्रम पर बुलाते हैं और उनसे इला के बारे में पूछते हैं। तब वह स्त्रियां सिर्फ इतना ही बता पाती हैं कि यह हमारी स्वामिनी इला है, हम सब उनके साथ वनों में विचरते रहते हैं, इससे ज्यादा हम उनके और अपने बारे में कुछ नहीं जानते। उन स्त्रियों से यह बात सुनकर महर्षि बुद्ध ने अपने तप के बल से उन सभी के बारे में सब कुछ जान लिया था। उन स्त्रियों के जाने के बाद महर्षि बुद्ध ने इला के पास आकर उसे अपना परिचय दिया और अपने प्रेम का प्रस्ताव भी इला के सामने रख दिया। इला भी मन ही मन महर्षि बुद्ध को चाहने लगी थी। इस कारण इला महर्षि बुद्ध के साथ उनकी पत्नी बनकर रहने लगी थी। परंतु जैसे ही एक महा समाप्त हुआ, इला राजा इल के स्वरूप में आ गई थी। उसे अपने इला रूप का कुछ भी पता नहीं था। वह बस यही सोच रहा था कि वह यहाँ कैसे आया और उसकी सेना कहाँ है। तब महर्षि बुद्ध ने राजा इल को बताया कि उनकी सारी पुरुष सेना नष्ट हो चुकी है और वह भी उस समय एक विपत्ति में है। इसलिए एक वर्ष तक तुम मेरे ही आश्रम में रुको, तो मैं तुम्हारी उस विपत्ति का निवारण कर दूंगा। यह बात सुनकर राजा इल ने अपनी विपत्ति के बारे में भी नहीं पूछा और उनके साथ रहने का निश्चय कर लिया। राजा इल जब एक माह के लिए अपने इला रूप में होते थे तो महर्षि बुद्ध के साथ पत्नी की तरह रमण करते थे और एक माह राजा इल के रूप में वो महर्षि बुद्ध जी के साथ धर्म के अनुष्ठान करते थे। इस तरह 9 माह बाद इला ने अपने गर्भ से महर्षि बुद्ध के पुत्र पुरर्वा को जन्म दिया, जिसे बाद में महर्षि बुद्ध ने राजा इल को सौंप दिया था और अश्वमेध यज्ञ करके राजा इल को भगवान शिव से पूर्ण पुरुषत्व भी प्रदान करा दिया था।